आज हम बात करेंगे कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों के बारे में। और जब हम कह रहे पुनर्वसु नक्षत्र के जातक, इसका मतलब है कुंडली में जो आपका चंद्रमा है वो पुनर्वसु नक्षत्र में है। और आम बोलचाल की भाषा में जो कहते हैं आपके जन्म का नक्षत्र क्या है, तो वो हम चंद्रमा के नक्षत्र की बात कर रहे होते हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र अगर आपका है तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत अच्छा रहेगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पुनर्वसु नक्षत्र के लोगों को किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं लाइफ में, क्या उनका मेंटल अलाइनमेंट है, क्या उनकी टेंडेंसी, क्या उनका पर्सनालिटी ट्रेट है जो उनको बाकियों से डिफ्रेंशिएट करता है, और कैसे वो इन ट्रेट्स को यूज करके लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं। वेलकम टू 108 एस्ट्रो। मेरा नाम है आतिश और आज हम बात कर रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों के बारे में। और पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो भचक्र में सातवां नक्षत्र है। हर एक राशि को और अगर फाइन डिवाइड करो तो 30 डिग्री का जो एक राशि का स्पैन होता है, 12 राशि हैं, 30 डिग्री की एक राशि होती है, तो टोटल 360 डिग्री का भचक्र जो बनता है, जोडियाक जो बनता है, उस जोडियाक में एक दूसरे तरीके का जो डिवीजन है वो है 13 डिग्री और 20 मिनट। और ये मिनट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला मिनट है, तो 13 डिग्री 20 मिनट का एक स्पैन होता है जिसके अंदर एक नक्षत्र को काउंट किया जाता है। तो पुनर्वसु नक्षत्र सातवां नक्षत्र है। पहले 6 नक्षत्रों के हम वीडियो में कवर कर चुके हैं, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स और उनकी स्पेशलिटी। पुनर्वसु नक्षत्र सातवां नक्षत्र है, तो मैथमेटिकली हमने समझ लिया पुनर्वसु नक्षत्र सातवां है, तो भचक्र में वो मिथुन राशि के अंदर 20 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो मिथुन राशि अगर आपकी और 20 डिग्री से ज्यादा का चंद्रमा है तो आप पुनर्वसु नक्षत्र के जातक हैं। और ये कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट तक जाता है, यानी अगर आपकी कर्क राशि है, आपका चंद्रमा कर्क राशि का है और वो 3 डिग्री 20 मिनट का है, तो आपका जो जन्म का नक्षत्र है वो पुनर्वसु नक्षत्र है। तो ये हो गई मैथमेटिकल डिटेल। अब बात करते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स की, और लाइफ में किस तरह के आप प्रोफेशन या किस तरह के आपके इवेंट्स होते हैं पुनर्वसु नक्षत्र अगर आपका है तो। सो लाइफ में अगर आप पुनर्वसु नक्षत्र के जातक हैं और आपका जो डेटी है, तो हर एक नक्षत्र के एक डेटी गॉड होते हैं, तो एक जो डेटी है वो है अदिति, जो गॉडेस ऑफ अर्थ। तो अगर आप धरती पर हैं, गॉडेस ऑफ अर्थ आपके ओनर हैं, तो आप कहीं ना कहीं अर्थ से जुड़े हुए कामों में जरूर लीन मिलेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए कामों में जरूर लीन मिलेंगे, आप अपनी माता को विशेष प्रेम करेंगे, आपका अपने मदर से अलग लेवल का अटैचमेंट होगा अगर आप पुनर्वसु नक्षत्र के जातक हैं। और हर एक नक्षत्र का एक प्लैनेट ओनर होता है, तो इस नक्षत्र का जो ओनर है वो है जुपिटर यानी गुरु ग्रह। तो आपके पास विजडम भी कहीं ना कहीं ये बेस्टो करता है नक्षत्र। और इसके जो योनि है, हर एक नक्षत्र की एक योनि होती है, किसी जानवर को रिप्रेजेंट करती है, तो इसकी योनि है एक बिल्ली यानी कि कैट। तो और इसका जो एक सिंबल है, हर एक नक्षत्र का जो सिंबल होता है उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, और हम आगे वीडियो में यही पूरा कवर करेंगे कि इन सारे सिंबल से, डेटी से, ओनर से किस तरीके के रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, इसको कंबाइन करके ब्यूटीफुली देखेंगे कि इस सारी इंफॉर्मेशन को आप एक साथ रखकर आर्टिकुलेट करें तो क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। सो इसका जो सिंबल है वो है बो और क्विवर, यानी कि एक एरो और क्विवर जिसके अंदर हम उस तीर को रखते हैं। अब आप इस सिंबल से बहुत सारे मीनिंग निकाल सकते हैं और बहुत सारे इससे पर्सनालिटी ट्रेट्स मिलते हैं। जुपिटर इसका ओनर है, विजडम का ओनर है, और सिंबल है बो और क्विवर, यानी कि तीर, और तीर एक क्विवर जो साथ में, यानी कि जहां पर बहुत सारे तीर रखते हैं उसमें। आपके पास मल्टीपल टैलेंट होगा, आप मल्टीपल टैलेंट के नॉलेज होगी आपके पास, स्पेशली अगर आपका कर्क राशि और 3 डिग्री 20 मिनट से कम का चंद्रमा है और पुनर्वसु नक्षत्र है यानी कर्क राशि आपकी है। जुपिटर कर्क राशि में उच्च का होता है, यहां पर सबसे सूदिंग स्टेट है पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा होने की, और आपको लाइफ में मल्टीपल प्रोफेशन है, मल्टीपल चीजों में इंटरेस्ट होगा, मल्टीपल चीजों की नॉलेज गेन करके ही रहेंगे। तो आपका जो ये नक्षत्र है ये आपको मल्टीपल ज्ञान देता है। आप एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, आप आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आप किसी बिल्डिंग के निर्माण के लीड कर सकते हैं, उसको सुपरवाइजर हो सकते हैं उसके, यानी कि हाई लेवल पे आप उसको पूरे बिल्डिंग को प्लान करेंगे। और आप इमेजिनेटिव राइटर भी हो सकते हैं, ये इमेजिनेशन के लिए बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि आप बो को जब तीर छोड़ते हैं तो आसमान में कहीं तक भी जाता है, तो वो उसकी विसिनिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कितने पावर से उसको छोड़ रहे हैं। तो इमेजिनेटिव राइटर्स जो होते हैं, चीज़ों को इमेजिन करना, नेक्स्ट जनरेशन की चीज़ों को इमेजिन करना। एक कार्टूनिस्ट थे जिन्होंने 1920 के आसपास ये बताया था कि जब मोबाइल फोन्स आ जाएंगे तो वो पॉकेट में बजेंगे तो कैसा होगा, उस समय लोग उन पर हंसते थे।
बट अगर आपका पुनर्वसु नक्षत्र है तो आप इसी तरह के इमेजिनेशंस को करेंगे जिस पर लोगों को लगेगा आज ही कैसे पॉसिबल है, बट आप नेक्स्ट लेवल चीज को सोच पाएंगे, नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी या नेक्स्ट लेवल इनोवेशन को आप सोच पाएंगे, तो आपका पुनर्वसु नक्षत्र आपको वो क्षमता देता है। अगर आपके मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र है, आप काफी अग्रेसिव रहेंगे काम को लेकर, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं और आपका जो नई चीजों को खोजने की जो टेंडेंसी है वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। कर्क राशि में क्या होता है कि कर्क राशि में आप पौराणिक चीजों को, स्पिरिचुअलिटी की ओर ज्यादा रहेंगे, मिथुन में आप नई चीजों को डिस्कवर करेंगे, तो पुनर्वसु नक्षत्र में भी अगर राशि चेंज जाती है तो ब्यूटीफुली ये भी राशि का इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। और जैसा कि हमने कहा कि गॉडेस ऑफ अर्थ है, तो अर्थ से रिलेटेड चीजें जो ट्रांसपोर्ट है पूरे अर्थ पे, यहाँ से वहां जाने वाली चीजें, कम्युनिकेशन, जो सामान का यहाँ से वहां आदान प्रदान होता है, ट्रेड होता है उस ओर जो होता है, फार्मिंग से रिलेटेड बिजनेस हो गया, जमीन से निकलने वाली चीजें, वहां पर भी पुनर्वसु नक्षत्र के लोगों में काफी इंटरेस्ट मिलेगा। और चीजों को प्रोटेक्ट करना, गॉडेस ऑफ अर्थ है, अर्थ को प्रोटेक्ट करने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो फीलिंग कहीं हिडन रहेगी कि चीजों को प्रोटेक्ट करना। घर में आप प्लांट्स लगाएंगे, उन्हें आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप बाहर लोगों को प्रोटेक्टिव एक एडवाइस देना, तो अगर आप एडवाइजर हैं किसी के तो आप प्रोटेक्टिव एडवाइस देंगे लोगों को, तो पुनर्वसु नक्षत्र आपको विजडम देता है और लोगों को प्रोटेक्ट करने की, यानी उनको उनकी सिचुएशन से बाहर निकालने की एडवाइस देता है। आपके जो तर्कश है उसमें कई सारे बाण है, आपके पास मल्टीपल नॉलेज है, तो आप लोगों को, अच्छा ऐसा नहीं, आप ये ट्राई करो, अगर ये काम नहीं करो तो आप ये ट्राई करो, तो जो मल्टीपल सोल्यूशन किसी चीज की देनी है तो पुनर्वसु नक्षत्र के लोगों में बहुत प्रॉबिलिटी से ये पाया गया है। इसका एक सिंबल और भी है, इसको एक यमाकू करके कहा गया है, जिसका मतलब होता है दो चैरियट्स। तो दो चैरियट्स यानी वही हम जो ट्रेड की बात करते हैं, कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान करना, कम्युनिकेशन वाली स्ट्रीम, तो पुनर्वसु नक्षत्र के लोगों में वो भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी से पाया गया है उसके सिंबल से। तो आप ब्यूटीफुली देखिए कि जुपिटर से विजडम मिलती है और गॉडेस ऑफ अर्थ है तो प्रोटेक्ट करना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। और अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके अंदर एक मदरली एटीट्यूड होगा लोगों को प्रोटेक्ट करने का, सही एडवाइस देने का, भले उन्हें पसंद आए या ना आए, तो पुनर्वसु नक्षत्र के लोगों में एक एडवाइस देने का और एक प्रोटेक्ट करने का, लोगों को ओवर प्रोटेक्टिव होना भी इस नक्षत्र के लोगों में पाया गया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी एनालिसिस पुनर्वसु नक्षत्र पे अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, यही मेरे कंटेंट को बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और ऐसे कंटेंट आगे मैं फ्यूचर में लाता रहूँ उसके लिए एनर्जी मिलती है। चैनल पर नए से सब्सक्राइब जरूर करिए अगर ये कंटेंट पसंद आया हो तो। जल्द आएंगे ज्योतिष से जुड़े हुए नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।